Hello to all beautiful people here Raj with this side. Welcome to this personality development based channel जहाँ पर मैं आपको help करती हूँ आपकी personality को develop करने में और आपको आपका best version पाने में step by step. Guys, आज की इस video का जो topic है ये body language से related है. आज की इस video में मैं आपके साथ body language का concept जो है ये clear करने वाली हूँ कि body language क्या है, इसके benefits क्या है और ये इतनी ज्यादा important क्यों है कि हर कोई कहता है कि body language improve करो, improve करो, improve करो. Okay, so पहले जानते हैं कि body language होती क्या है. Body language एक तरह से non-verbal communication होती है, type ही होती है, जिसमें हम बिना अपने मुंह से कोई शब्द बोले अपनी body के through ही दूसरे को बहुत कुछ बता सकते हैं. और हमारी बॉडी लैंग्वेज जो है ये हमारी कम्युनिकेशन का भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. बिकॉज 60% तक की कम्युनिकेशन जो होती है ये हम हमारी बॉडी के थ्रू ही कर देते हैं. बॉडी लैंग्वेज हमारी पर्सनैलिटी का एक तरीके से आईना होता है. हमारा व्यक्तित्व कैसा है ये हमारी बॉडी लैंग्वेज से झलकता है. और बॉडी लैंग्वेज में आता क्या क्या है, आपका वे ऑफ वॉकिंग, टॉकिंग, ईटिंग, सिटिंग, स्टैंडिंग, स्पीकिंग, ये सब चीजें, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस जो हो गए, आपके आईज जो हो गई, आपकी आवाज हो गई, ये सब चीजें, आप जो भी इशारे वगैरह करते हैं, आपके मैनर्स एंड एटिकेट्स, ये सब चीजें एक तरीके से आपकी बॉडी लैंग्वेज का ही पार्ट होती हैं. अब बॉडी लैंग्वेज क्या है ये तो हो गया हमारा. बॉडी लैंग्वेज इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों है और अगर हमारे पास एक अच्छी बॉडी लैंग्वेज होगी तो इससे हमें बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं. बॉडी लैंग्वेज इतनी इम्पॉर्टेंट इसीलिए है बिकॉज अगर आपके पास एक अच्छी बॉडी लैंग्वेज होती है ना तो आप दूसरों को अट्रैक्टिव लगते हो, कॉन्फिडेंट लगते हो. दूसरे लोग सामने से चाहते हैं कि वो आपसे बात करें, वो आपके तक अप्रोच करते हैं, वो आपको और डीपली जानना चाहते हैं. सेकेंडली, अगर 10-12 लोग खड़े हैं ना, सब बोल रहे हैं, मगर आपको बॉडी लैंग्वेज से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स पता है, आप उन्हें यूज करते हो, तो उन सबके कंपैरिजन में दूसरे लोगों को आपके ऊपर ज्यादा अटेंशन रहेगी, वो आपको ज्यादा अच्छे से सुनेंगे. आपको अटेंशन मिलती है अगर आप बॉडी लैंग्वेज को अच्छे तरीके से यूज करते हो. उसके बाद आप किसी भी फील्ड में हो, आप कुछ भी कर रहे हो, आपको सक्सेस दिलवाने में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. बिकॉज मैंने ऊपर भी बताया था कि 60% तक की हमारी जो कम्युनिकेशन होती है ये हमारी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू ही हो जाती है और बिना कम्युनिकेट करे आई थिंक किसी भी चीज में हमें सक्सेस नहीं मिलती है. हम कुछ भी करें हमें कम्युनिकेट तो करना पड़ता है, तो इसलिए हमारी बॉडी लैंग्वेज है ये अच्छी होनी चाहिए. फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा किसी के ऊपर क्रिएट करना है तो वो भी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू ही होता है. ये हमारी पर्सनैलिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. हम कुछ नहीं बोलते हैं मगर हमारे बॉडी लैंग्वेज के थ्रू ही दूसरे को हमारे बारे में बहुत कुछ पता चल जाता है. हम हैप्पी हैं, सैड हैं, कॉन्फिडेंट हैं, नर्वस हैं, हम क्या फील कर रहे हैं, बहुत कुछ हमारी बॉडी लैंग्वेज हमारे बारे में दूसरे को बता देती है. अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी होगी तो आपकी जो ओवरऑल पर्सनैलिटी है ये दूसरों की निगाह में इम्प्रेसिव होगी. तो इसीलिए आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज को इम्प्रूव करना चाहिए. और बॉडी लैंग्वेज को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, ये एक कला है, इसे सीखा जा सकता है. इससे रिलेटेड बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं, इसके पीछे बहुत सारी साइकोलॉजी होती है. अगर आपको इसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज होगी ना, थोड़ी सी डीप नॉलेज होगी, तो आप दूसरे को उसके बिना कुछ कहे ही ये समझ पाएंगे कि ये फील क्या कर रहा है, ये क्या करना चाहता है, ये या ये क्या कहना चाह रहा है. तो आप सामने वाले इंसान को आम लोगों के कंपैरिजन में ज्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं. अब इसके ऊपर ये तो हो गया इसका बेसिक कि ये बॉडी लैंग्वेज होती क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसके बेनिफिट क्या है. अब इसे इम्प्रूव कैसे करें, बिकॉज इसे इम्प्रूव किया जा सकता है, इसके पीछे टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं. तो मैंने आपके साथ 3 पार्ट्स मैंने बनाए हैं. पहले पार्ट में 5 टिप्स हैं बॉडी लैंग्वेज से रिलेटेड, आगे के जो पार्ट्स हैं उनमें भी 5-5 टिप्स हैं. टोटल मैंने आपके साथ 15 टिप्स शेयर करी हैं. तो आपने उन वीडियोस को देखना है, उन वीडियो का लिंक, वो वीडियोस बन चुकी हैं, बस 2-3 दिन में ही मैं अपलोड कर दूंगी अपने चैनल के ऊपर. उन वीडियोस का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी. तो अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करके रख लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब वो वीडियोस मैं अपलोड करूं आपको मिल जाए और आप उन्हें देख सके. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.